नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में दोस्तों, जो पंजाब टीचर की यानी ईटीडी की भर्ती थी, जो ईटीडी पंजाब टीचर की भर्ती थी, उसका रिजल्ट आ चुका है। पिछले 2 हफ्ते पहले 16 अक्टूबर 2021 को उसका पेपर हुआ था दोस्तों। अब उसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इसका रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो पीडीएफ है, ये रिजल्ट का पीडीएफ है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट ऑफ द ईटीडी एग्जाम 65 पोस्टें जो निकली थी उसका है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें जिस जिस कैंडिडेट ने पेपर दिया था उसके सभी के मार्क्स आए हैं, जिसके चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, और जो कोई एबसेंट हुआ है उसका भी देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं दोस्तों। कम हो या ज़्यादा हो, सभी का यहाँ पर ये जो आया हुआ है देखो दोस्तों, एबसेंट के भी लगे हुए हैं, जिसके ज़्यादा है उसके भी लगे हुए हैं, और जिसके कम नंबर हैं उसके भी दोस्तों आया हुआ है रिजल्ट। ये सबके लिए आया हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई मेरिट लिस्ट नहीं है, ठीक है। ये तो रिजल्ट है, ओनली एग्ज़ाम का रिजल्ट है। इसके रिगार्डिंग, मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन और दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये वो दूसरा नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन है जो जो रिजल्ट आया हो उसके रिगार्डिंग ये आपको दिखा सकता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, पब्लिक नोटिस है, ठीक है दोस्तों। घर घर रोजगार योजना के तहत ये जो 6665 ईटी की भर्ती निकली थी और जेल विभाग में निकली थी 22 पोस्टें, उनका रिजल्ट के रिगार्डिंग है दोस्तों। ये बता रखा है यहाँ पर 16/10 को इसका पेपर हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये साइड वाली ये साइड दिख रही है दोस्तों, इस पर रिजल्ट आ चुका है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आगे दिखा देता हूँ मैं दोस्तों आपको, यहाँ पर बताया गया है, देखो इतने ये भी दस्या जाता कि उपरोक्त भर्ती संबंध नाल मान्यो कोर्ट हाई वालों चल रहे कोर्ट केसा दे फैसले इन भर्तियों ते लागू होंगे दोस्तों। आपको बता देते, जैसे पहले ईटीटी की भर्ती है ना, जो जिसके अभी तक जो ऑफर लेटर अभी तक जारी नहीं हुए, उनका रिजल्ट आ चुका था, उसके उन्होंने केस कर रखा है कई कैंडिडेटों ने, तो उसके अकॉर्डिंग जो केस चल रहा है, अगर उस पर कोई फैसला आता है तो उसके फैसले का असर इस पर पड़ सकता है दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ तौर पर इन्होंने बताया हुआ है, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि यह नतीजा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप, यह नतीजा कोई फाइनल सिलेक्शन सूची नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन सूची वख वख कैटेगरियां नाल संबंधित उम्मीदवारों की स्क्रूटनी करन उपरांत स्क्रूटनी लई योग उम्मीदवारों विचों बनाई जाएगी। तो दोस्तों आप मैं को बता देता हूँ इसका मतलब क्या है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो ये लिस्ट आई है रिजल्ट की, इसको आप फाइनल सूची मत माने, यानी कट ऑफ ना माने, जिन जिनका नंबर पड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ रिजल्ट है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर कह रखा है, देखो दोस्तों दोबारा से देख लो, ये नतीजा कोई फाइनल सूची नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन सूची वख वख कैटेगरियां नाल संबंधित उम्मीदवारों की स्क्रूटनी करन उपरांत स्क्रूटनी लई योग उम्मीदवारों विचों बनाई जाएगी। तो दोस्तों इससे साफ जाहिर होता है, अभी ये सूची जो फाइनल सूची नहीं है, यानी मेरिट लिस्ट नहीं है, इसके बाद में जो रिजल्ट आने के बाद में अभी आपको बुलाया जाएगा, जो दस्तावेज है आपको स्क्रूटनी, ठीक है दोस्तों, उसके लिए। तो वहाँ पर आप जब भी अपने दस्तावेज या डॉक्यूमेंट चेक करवाओगे, उसके बाद जिन जिन के डॉक्यूमेंट सही निकलेंगे, उसके उपरांत आप जो उस लिस्ट में उम्मीदवार होंगे, ऊपर वाले जितने ऊपर वाले कैंडिडेट होंगे, उनको सभी को बुलाया जाएगा, यानी उनमें से ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जब भी कोई दोबारा कभी मेरिट लिस्ट आती है तो मैं आपको दोबारा से सूचित कर दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, थैंक यू दोस्तों।